Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. जी, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग तो हमने डिस्कशन काफी की है, आपने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, सेमिनार्स भी किए हैं, लेकिन एक जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है वो हमेशा लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है, वो है प्रश्ना। जी, प्रश्ना एक ऐसा है जिसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नेटल में नहीं, जिनका आंसर मिलता प्रश्न से निकलता है। लेकिन कन्वेंशनल मेथड हमने देखा है कि बहुत सारे मेथड्स हैं, एन नंबर ऑफ टाइम मेथड्स हैं प्रश्न के, लेकिन उनकी एक्यूरेसी है वो वेरी करती है, किसी की 50% है, किसी की 60, कुछ थोड़ा और ज्यादा। तो इसके बारे में थोड़ा पता है कि प्रश्न की ये एक्यूरेसी ऊपर नीचे इतनी क्यों है, और ऐसा क्या आपके अनुभव में भी आया है कि ये पर्टिकुलर मेथड है इसका कम है और इसका ज्यादा है? देखिए मोहित जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कोई भी अगर ज्योतिष का काम कर रहा है या ज्योतिष सीखना चाह रहा है तो उसके पास कम से कम 3-4 पद्धति तो जरूर होनी चाहिए, विश्वसनीय पद्धति, जिसको वो समय पड़ने पर यूज कर सके, प्रयोग कर सके। जैसे अगर एक पद्धति हमने यूज किया तो उससे अगर आंसर यस आ रहा है तो 2-3 पद्धति अगर हमारे पास है उसको भी हमने यूज किया तो आप देखेंगे कि फिर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर 2-3 पद्धति अगर उसको यस दे दिया कि हाँ आंसर हाँ होगा तो फिर आप कंफर्म कहेंगे कि हाँ भाई 100% ये काम तुम्हारा होने जा रहा है, जाओ। तो इसलिए व्यक्ति के पास मेथड होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। और हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलिए। भाई मैं बता रहा था कि व्यक्ति के पास मेथड होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। और दूसरा चीज कि कोई भी मेथड जो है वो मतलब 100% हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक मेथड होता है और उस मेथड के साथ साथ आपका अनुभव भी काम करता है, आपका एक्सपीरियंस भी काम करता है कि कितना आपने इसको गूथा है, कितना आपने इसको पिरोया अपने अंदर, तो ये चीज भी मायने रखती है। तो 100% कोई भी चीजें नहीं होती, क्योंकि ज्योतिष में देश काल परिस्थिति इस 3 चीज को भी देखना आवश्यक होता है। इसलिए लेकिन हाँ, कई सारी पद्धतियां हैं जिसका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़िया है। और मैं कुछ चार्ट्स हैं जो आपसे शेयर करता हूँ कि हमने डिस्कस किया। देखिए एक चीज और आप, हाँ एक चीज मैं आपको और बताऊं मोहित जी, कि जो प्रश्न की सबसे प्रचलित पद्धति है, प्रश्न की जो सबसे प्रचलित पद्धति है वो ताजिक नीलकंठी जो खेमराज से पब्लिश किताब थी उसमें दी हुई है। उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि एक हो गया लग्न स्थान का स्वामी, उसको हम लोग बोलते हैं लग्नेश। दूसरा कार्य स्थान का स्वामी, अर्थात कि जिस स्थान से, जिस भाव से, जिस हाउस से संबंधित आपका प्रश्न है वो हाउस और उसका स्वामी, मतलब यहां पर 2 चीजें हमारे पास हो गई, एक लग्न, लग्न का स्वामी, दूसरा जिस स्थान से संबंधित प्रश्न है वो प्रश्न, वो हाउस और उसका स्वामी, ये 2 चीजें। तो इन दोनों का आपस में जितना गहरा संबंध होगा उस प्रश्न का आंसर उतना ही यस और नो के अनुपात में आएगा। ये सबसे प्रचलित मेथड है और मुझे लगता है काफी लोग इसको प्रयोग भी करते हैं। जैसे लग्न का अगर कार्य से संबंध बन जाए
या फिर कार्यस्थ लगन को देख ले या लगन में बैठ जाए, या फिर लग्नेश लगन में बैठा हो या कार्य स्थान में बैठा हो या कार्यस्थ को देख ले। दूसरा, चंद्रमा का अगर इनके साथ संबंध बन जाए तो काम होने का संभावना बनता है। ये सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे फेमस मेथड है, प्रसिद्ध मेथड है प्रश्न का जी। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे पास, चूंकि बहुत वर्षों से ज्योतिष कर रहा हूं मैं, आप जैसा जानते हैं, और कई सारे चार्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, कई सारी कुंडलियां मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उसमें से तीन कुंडलियां मैंने ऐसे निकाली जहां पर आप देखेंगे कि ये नियम प्रयोग में नहीं आता है, ये नियम प्रयोग में नहीं आता। तो ये नियम आखिर प्रयोग में क्यों नहीं आता है? इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि एक भाई एक महीने के बाद अनुमानता आप समझे कि जब सूर्य उत्तरायण में चले जाएंगे 15 जनवरी के बाद, तो एक वाराणसी का कोर्स जो है, जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा, और उसमें वाराणसी और कई सारे विलेज एस्ट्रोलॉजर्स से कलेक्ट किए हुए कई सारे ऐसे सूत्र हैं जी, जिसकी कहीं चर्चा नहीं की गई है, और पहली बार उसकी चर्चा मैं वहां पर करूंगा। तो उस कोर्स में जो पहला हमारा टॉपिक है वो है भृगु सिस्टम ऑफ प्रश्ना, प्रश्न का भृगु सिस्टम क्या है, जिसको अभी मेरे जानकारी में भारत में सिर्फ दो लोग यूज करते हैं मेरे जानकारी में जी। तो वो मेथड क्या है, और अगर उस मेथड से, क्योंकि मैं उसको खुद कम से कम 10 वर्षों से तो प्रयोग कर ही रहा हूं, कम से कम उस मेथड को कम से कम 10 वर्षों से प्रयोग कर रहा हूं, तो जो मेरा वाराणसी का कोर्स होने वाला है उस कोर्स में सबसे पहला लेक्चर मैं इसी पे लूंगा, इसी प्रश्न वाले मेथड पे लूंगा जो कि भृगु से संबंधित है जी। दूसरा, आप देखेंगे कि इस प्रश्न के माध्यम से, जो ये प्रश्न का जो सिस्टम है, बड़ा ही आसान सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ज्यादा आपको ज्योतिष जानने की आवश्यकता है और बहुत मतलब कि आपको प्रकांड होना है, कोई सिंपल सा सामान्य सा कोई भी एक नॉर्मल राशि जानने वाला व्यक्ति, क्या भाई ये राशि है और ये घर है, बस काम हो गया। कोई भी जीवन का कोई भी प्रश्न आप उससे निकाल सकते हैं उससे जी। अब भृगु का जो मैं यहाँ पर ये, हाँ, आपको तीन कुंडलियों के माध्यम से यही दिखाऊंगा कि जहां पर ये जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा लगन का और कार्यस्थ का, जो ताजिक नीलकंठी में दी हुई है, वो फेल हो जाती है, लेकिन जो भृगु प्रश्न मेथड है वो फेल नहीं होता जी। मैं वो चार्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ जरा। जी बिल्कुल, इस चार्ट को देखिए, 1 दिसंबर 2013 इनका विवाह से संबंधित प्रश्न था, विवाह कब होगा, तो विवाह का प्रश्न है तो सातवां स्थान महत्वपूर्ण हो जाता हमारे लिए और लग्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ये दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप इस कुंडली में देखें कि जो लग्न स्थान के स्वामी है हमारे, वो क्या है, शनि। शनि उच्च का होकर के बैठे हुए हैं और दसवीं दृष्टि से वो सप्तम स्थान को देख रहे हैं, पहला बात। दूसरा, सप्तमेश क्या हो गए, चंद्रमा, वो शनि के साथ बैठे हुए हैं, अर्थात कि लग्नेश और सप्तमेश एक साथ बैठे हुए, दोनों का संबंध बन गया और लग्नेश दसवीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देख भी रहे हैं, जो दिखाता है कि मैरिज हो जाएगा इस व्यक्ति का प्रचलित पद्धति के अनुसार। लेकिन आप देखें कि 2013 की ये प्रश्न कुंडली है, इसका मैरिज अभी तक नहीं हुआ इस व्यक्ति का, 7 साल हो चुके हैं, 7 साल नहीं, 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, इस व्यक्ति का मैरिज अभी तक नहीं हुआ। प्रचलित पद्धति दिखाती है कि मैरिज होगी, लेकिन मैरिज नहीं हुआ। लग्नेश कार्यस का संबंध है, इसके बावजूद आखिर क्यों नहीं हुआ,
इसका अर्थ यही है कि इसके साथ साथ और भी टेक्निक्स हैं जो उस चार्ट पे काम करती है जहां पर ये चार्ट ये टेक्निक्स काम नहीं करती। जी अब दूसरा चार्ट देखें। जी इस चार्ट को देखिए, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने कमीशन का मतलब कि मेंस को क्लियर किया हुआ था और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछे थे। आप देखेंगे कि हम लोग इसके लिए क्या लेंगे, दशम स्थान लेंगे क्योंकि नौकरी से संबंधित प्रश्न है। तो दशम स्थान को हम लेंगे और हमारा इस कुंडली में लग्न हो गया सिंह। दशम स्थान में कौन सी राशि आई, वृष। सिंह का स्वामी कौन हो गए, सूर्य। दशम स्थान के स्वामी शुक्र। सूर्य उच्च का होकर के शुक्र के साथ नवम स्थान में बैठे हुए हैं, अर्थात कि दशमेश नवम स्थान में बैठे हुए, तो दशमेश का नवम से संबंध। दूसरा लगन, लगन का स्वामी सूर्य और दशम का स्वामी शुक्र, ये भी एक साथ बैठे हुए, तो दोनों का संबंध यहां बन जाता है। आप देखिए यहां पर दोनों का संबंध बन जाता है, चंद्रमा शुक्र ही होकर के बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी ये व्यक्ति का इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू इन्होंने क्लियर नहीं कर ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। तीसरी चार्ट की ओर चलते हैं हम लोग। तीसरी चार्ट को आप देखें तो इस व्यक्ति का जो प्रश्न था वो इस संदर्भ में था कि इनका एडमिशन आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, इनका जो एडमिशन है वो आईआईटी में होगा कि नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि चूंकि एडमिशन से संबंधित प्रश्न है तो हम लोग क्या देखेंगे, पंचम स्थान देखेंगे, शिक्षा से संबंधित प्रश्न है ना जी, पंचम स्थान देखेंगे। अब आप देखें कि लग्न कन्या राशि पड़ी, लग्न का स्वामी क्या हो गए, बुध। पंचम स्थान में कौन सी राशि गई, मकर। उसका स्वामी कौन हो गए, शनि जी। अब आप देखिए कि शनि अर्थात कि पंचमेश दसवीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, कार्येश का संबंध लगन से हो गया जी, और लग्नेश कार्यस्थान में जाकर के बैठे हैं। लग्नेश कौन हो गए, बुध। कार्यस्थान में जाकर के बैठे हुए हैं, लग्नेश का संबंध कार्यस्थान से हो गया, कार्येश का संबंध लगन से, लग्नेश का संबंध कार्यस्थान से, ये हो गया। तो दिखाता है कि आईआईटी में इनका होना चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, लेकिन इनका सक्सेस, इनको सक्सेस नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नियम में या कोई ना कोई मेथड में थोड़ी खामी होती है जी। अब यही तीन कुंडलियों को मैं जो क्लासेस ले रहा हूं उसमें लेकर के दिखाऊंगा या बताऊंगा कि ये तीनों को सक्सेस क्यों नहीं मिला भृगु प्रश्न मेथड के अनुसार। आप देखेंगे अब बात चलिए भृगु प्रश्न की। ये मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे सिखाया और मैंने इसको यूज किया, इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा ऑसम आए हैं। मतलब एक्यूरेसी की बात करें 80-90% या इससे भी ज्यादा रहेगी अगर मैं 10 या 20 क्वेश्चंस का डाटा निकालूं तो आपने भी जब ये शुरू में यूज किया होगा कुछ ना कुछ आपके अनुभव होंगे या जिनसे आपने सीखा या तो कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ इस पद्धति को लेकर। देखिए सबसे पहले जिन गुरुजी से मैंने सीखा था तो जिस व्यक्ति के साथ मैं उनके पास गया तो आते के साथ ही उन व्यक्ति उस व्यक्ति को उस गुरुजी ने कहा कि आपने सबसे पहले ऐसा हुआ था कि उन्होंने पहले कहा कि मुझे फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है और परेशानी हो रही है, ऐसी हुई थी शायद, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है।
तो हाँ, तो वो व्यक्ति गए थे, मैं ही लेकर के गया था उनको, और वहां पहुंचने के बाद उन व्यक्ति ने कहा कि उनको फाइनेंशियल काफी दिक्कत है। तो जो गुरुजी बैठे हुए थे उन्होंने कोई कुंडली कुछ नहीं लिया, एक स्लेट था बस, हल्का सा गुना भाग किया और सीधे बोले कि तुमने एक तोता पकड़ करके रखा है, तोता को बंदी बना करके रखा है, और जिस दिन से तुमने तोता को बंदी बना करके रखा है उस दिन से तुमको फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको आजाद कर दो, फाइनेंशियल दिक्कत ठीक हो जाएगी। तो ऐसा ही था एक्चुअल में? एक्चुअल में ऐसा ही था, उसने तोता पकड़ लिया था। हाँ, उन्होंने तोता पकड़ के रखा था। बहुत बढ़िया, उनके घर में तोता था। हाँ। हाँ, आने के बाद उन्होंने उसको उड़ा दिया। अच्छा, दूसरी प्रेडिक्शन एक और मुझे याद आ रही है। एक हमारे मित्र थे, क्योंकि अभी वो अधिकारी वर्ग में है तो नाम नहीं बताऊंगा, तो उनको लेकर के मैं गया उनके पास। तो उनकी, चूंकि वो कमीशन का तैयारी कर रहे थे, हमसे बड़े थे, कमीशन का तैयारी कर रहे थे। कमीशन यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, वही भी तैयारी कर रहे थे। लास्ट एज उनका था और वो पीटी निकल गया था, उसमें उनका नहीं हुआ था। लास्ट एज था उनका, पीटी के रिजल्ट निकल गए थे, उसमें उनका नहीं हुआ था। गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा कि तुमको सरकारी नौकरी होने का योग है, सरकारी नौकरी तुमको हो जाएगी और अच्छी नौकरी होगी, बढ़िया प्रतिष्ठा वाली नौकरी। तो कहां से नौकरी होगी गुरुजी, लास्ट एज था, खत्म हो गया, अब तो इस एज के बाद कुछ निकलता भी नहीं है। तो नहीं नहीं, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तो आ रहा है, तुमको नौकरी होगी। बोले ना, फिर बात आई गई होगी, हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग भी हंसते हुए जा रहे थे कि यार कहां से गुरुजी बता रहे हैं नौकरी हो जाएगी, लास्ट एज ही था, खत्म हो गया, खैर चलो कोई बात नहीं। मोहित जी, जब हम लोग रांची गए कुछ दिनों के बाद, क्या होता है कि कुछ प्रश्न गलती थे, सवाल मतलब वो जो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन था उसमें कुछ प्रश्न एक दो गलती थे। अच्छा। तो जो कट ऑफ मार्क था उसको 5 नंबर पीछे कर दिया गया, 5 या 4 नंबर जो भी था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ नंबर पीछे कर दिया गया। कारण से वो व्यक्ति का हो गया, उसमें पीटी हो गया। अच्छा, वो कट ऑफ डेट पीछे करने की वजह से उनका पीटी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी, कुछ क्वेश्चन गलती था जिस कारण से उसको थोड़ा कट ऑफ मार्क पीछे कर दिया गया, जिस कारण से हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, अभी नौकरी कर रहे हैं। क्या बात है। तो मैं, कोई भी मैं, हम लोगों को लगता है कि हम लोग डिविजनल चार्ट में जाएंगे, D60 देखेंगे, D180 देखेंगे, अब तो लोग मतलब जितने अंदर सूक्ष्म जाएंगे उतना ज्यादा मतलब सटीक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावे भी कई सारे ऐसे मेथड हैं, कई सारे ऐसे सगुन हैं जो कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, इतना सूक्ष्म जाने की जरूरत भी नहीं। सही बात है, सही बात है। मैं जैसे बता रहा था आपको, ये मेथड मैंने यूज किया बहुत बार और इसके रिजल्ट्स प्रश्न के दूसरे जो एक दो मेथड्स वो भी मुझे आपने ही बताए हैं, उनसे ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है। और जो हमारा भी कोर्स आ रहा है कि सीक्रेट्स फ्रॉम द वाराणसी एंड विलेज एस्ट्रोलॉजर्स का जो है कोर्स आ रहा है, उसमें आप ये भृगु वाला मेथड पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी? बिल्कुल, पहला लेक्चर जो है वो हमारा इसी मेथड पे है। तो अगर एक लेक्चर में हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके 2 लेक्चर लिए जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आपके कोर्स का मुझे वेट रहेगा। जी, आप भी तो रहेंगे उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑडियंस, ये वाला मेथड स्पेसिफिकली काफी रेयर है। If you want to know the depth of the astrology through Prashna, you should join this course. और ये हमारा कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसकी डिटेल्स सप्तरिषि की वेबसाइट और YouTube पे भी यूजली पास ऑन हो जाएगी। So it's up to you कि as soon as possible आप अपना नाम इसमें रजिस्टर करवा लीजिए। तो ठीक है अशोक जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मोहित जी।